हेलो एंड वेलकम टू करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेटलर्जी ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स आज स्टार्ट करने वाले हैं। मेटलर्जी ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं अलग से? सबसे पहली बात सिलेबस में है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, फिर इस पर ब्रीफिंग करेंगे। उससे पहले आप लोग शोर नहीं मचाए, वो मुझे पूरा पूरा दिख रहा है, शोर नहीं मचाए। आखिर क्यों ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है? जल्दी शोर करिए। संध्या कह रही है हेलो, आई एम सेइंग हाय। राधाकांत कह रहे हैं यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधाकांत कुनार, संध्या कैसे हैं, सोनाल सिंह आप कैसे हैं, एंड दीक्षा विकल्प, मोहम्मद तारिक, क्रैश कोर्स, अमन ठाकुर। ऐसा पढ़ते हैं अपन, देखो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है, दैट्स इट। अच्छा, अपन क्या होता है ना, देखो आधा काम करना इसी को बोलते हैं। चलो लाइट में आ गए, ऐसा है। ओके ठीक है, क्लास 12 की ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे, सब कुछ स्टार्ट करेंगे। चलिए ऑर्गेनिक वगैरह सब कुछ स्टार्ट करेंगे। आर के रोहित, डॉक्टर जे, गोला भाई, चंचल, निलिशा, संध्या, हाउ आर यू? शोर मचाइए, ऐसे खाली खाली सा अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो? थोड़ा सा आदमी को क्या मास में पढ़ना चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा तो आप ही का फायदा होगा। ओवरऑल आई एम थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो देखो एक होता है बहुत ही टॉपर स्टूडेंट, एक होता है मेडियोकर स्टूडेंट, और एक होता है लो लेवल का स्टूडेंट जो थोड़ा सा कम सोच पाता है। देखो सिलेक्शन तीनों ही केसेस में होती है। टॉपर तो खुद ब खुद कर लेता है, उसको अगर आप टीचर ना भी दो ना, बुक्स पकड़ा दो तो वो करा लेगा। मेडियोकर, जिसमें मैं आता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेडियोकर को एक हल्का सा पुश चाहिए, एक हल्का सा इग्निशन चाहिए आग लगाने के लिए। ठीक है, और जो लो लेवल के स्टूडेंट है ना, उनको खींच के लेके आना पड़ता है मेडियोकर में, और मेडियोकर में आने के बाद अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं। सो थोड़ा सा अगर पढ़ाई का तरीका चेंज कर दें, जैसे पुराने जमाने से चले आ रहा है कि भाई टीचर पढ़ाएगा, आप पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, होगा नहीं होगा, नहीं, टीचर ऐसा सेलेक्ट करो जो पूरी क्लास में ही सब कुछ आपका करा दे, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी रहे। ये नहीं कि यहां भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद जाने के बाद भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है, दैट्स इट। क्लास की चीजें, थ्योरेटिकल चीजें जो रिक्वायर्ड है, वो टीचर का काम है आपको देना, आपका काम नहीं है। वो ऐसा पढ़ाओ कि हमेशा के लिए आपका हो जाए, जो मैं करने की कोशिश करता हूं, एंड आई होप कि आप सब लोगों को वो चीज दिमाग में आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? मांडवी गुप्ता, आकाश, प्राची, विकास, मोहम्मद तारिक, अमन ठाकुर, बताइए तो सही। आकाश चौधरी, गुड इवनिंग। चैन सिंह, सोएब मंसूरी, कैसे हैं? नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, सब लोग पूछते हैं सर क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, कहां से प्रैक्टिस करें। यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कैरियर पॉइंट की मॉड्यूल बेस्ट होती है, बेस्ट, क्योंकि मॉड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में, मॉड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस में, और थोड़ा सा उसको और ज्यादा गहन वे में अगर प्रैक्टिस की जाए तो जेईई एडवांस और एम्स बहुत अच्छे से निकल जाती है। चलिए आइए, डॉक्टर जय शर्मा, बहुत अच्छा। बहुत बच्चों का डाउट था कि सर हम डाउट पूछ ही नहीं पाते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा वैभव। सो कैरियर पॉइंट लाइव ग्रुप है, ग्रुप जिसमें आप जैसे एक दिन के अंदर 300-400 मेंबर्स हो गए हैं, आई होप। सो यहां पे जल्दी आइए और ग्रुप में डाउट सॉल्व करिए। जेईई के स्टूडेंट है, नो प्रॉब्लम, कम इन दिस ग्रुप। नीट एम्स के स्टूडेंट है, नो प्रॉब्लम, कम इन दिस ग्रुप। होता क्या है भाई साहब? गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग, यस यस यस, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वैभव, थैंक यू सो मच। सेपरेट स्टडी फॉर मेटलर्जी आपके सिलेबस में ये है, क्यों पढ़ रहे हैं? देखो जो अभी तक हमने पढ़ा ना, वो थ्योरेट थी, वो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने आपको दे दी, और पूरी पूरी कोशिश की कि जो नॉलेज दी वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, नहीं आया। अब क्या है, ये सारी चीजें है ना जो अभी तक हमने चार लेक्चर में पढ़ा है, अब उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे आयरन की सेपरेट स्टडी कर ली, कॉपर, इन्हीं की क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इनको कर रहे हैं, क्योंकि केवल यही स्पेशल एलिमेंट्स आपके सिलेबस में है, एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ अलग सा नहीं होगा। संदीप रावत, मोहम्मद, मनीष कुशवाहा, मोहम्मद दानिश एंड मिस्टर कामत, मिस्टर सहोटा एंड सोनल सिंह, मनीष कुशवाहा, पल्लव हल्दर, अमन ठाकुर। आयरन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। आज स्मेल्टिंग ऑफ आयरन जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड और नॉट? आर यू गाइज एक्साइटेड और नॉट? यस वैभव श्रीवास्तव, आपका मैसेज मिल गया मुझे, थैंक यू सो मच। गोला भाई, एक्साइटेड है कि नहीं है बताइए। अरे क्रैश कोर्स, रीदा खान, प्राची यादव, हीरोइज्म, भाई साहब आयरन का मेटलर्जी आज एकदम अच्छे वे में कवर कर देंगे,
और आज के बाद आयरन का मेटलर्जी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? सो आर यू गाइज रेडी टू नो आयरन की मेटलर्जी के बारे में? सो अब मैं आपको पिछले चार लेक्चर से भाई साहब यही तो बता रहा हूं ना यार कि केवल चार प्रोसेस हैं किसी भी एलिमेंट की मेटलर्जी के लिए। अमन ठाकुर का हार्ट ब्रेक क्यों है मुझे ये समझ नहीं आ रही। सो नाउ बताइए मुझे, मेटलर्जी में किसी भी चीज की, दुनिया संसार का मेटलर्जी हो, केवल चार स्टेप, एक एक करके चार लेक्चर में हमने चारों स्टेप कवर कर लिए हैं। अब आयरन की मेटलर्जी बोलूं, कॉपर की मेटलर्जी बोलूं, चाहे कोई भी एलिमेंट की मेटलर्जी बोलूं, आपको तो ये चार स्टेप लगाने हैं, दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है मिस्टर कमत, ओके ओके ठीक है, चलिए मोहम्मद दानिश, समझ में आ रहा है सब लोगों को। आइए सबसे पहले आयरन की मेटलर्जी में हम एक एक करके चारों लगा के देखते हैं, ठीक है, चारों लगा के देखते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, आयरन, जब मैं फर्स्ट लेक्चर में ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और पढ़ा रहा था तो उसमें ये सब बता चुका हूं। आयरन का ऑक्साइड और कैसे दिमाग में रखने को बोला था, हेमा मालिनी, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, मैंने बता चुका हूं यार, आज फिर से री उसका बता रहा हूं, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हे मा मालिनी, दैट्स इट। उसके बाद आयरन का कार्बोनेट, देखो लोहा लेके कोई आ रहा था तो साइड हो जाना था, मेरे पास लोहे का कार्बन हो साइड हो जाओ कि नहीं, लोहे का कार्बन हो तो साइड हो जाओ, एंड सो ऑन, आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट, तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मांडवी गुप्ता, मोनिका, मोनिका से भी मैंने कल एक ट्रिक बताया है, याद है क्या आप लोगों को, याद है क्या, साइड हट, बहुत अच्छा। आइए अब आयरन का जो मेटलर्जी होता है ना वो आयरन के ऑक्साइड ओर से करते हैं, आयरन का कार्बोनेट और आयरन का सल्फाइड ओर से नहीं करते हैं। फूल्स गोल्ड मोहम्मद दानिश इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यस मिस्टर घोष यू कैन वॉच दिस, ठीक है। आइए अब साइडेराइट और आयरन पाइराइट मेन ओर नहीं है आयरन का, क्यों, मैंने बोला था फर्स्ट डे पे कि उसी को ओर मानते हैं जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो, इसमें इस दोनों ओर में आयरन की परसेंटेज हाई नहीं होती है। तो अगर आप मेटलर्जी करें, सारे चार प्रोसेस लगाए और चारों प्रोसेस लगाने में, देखो कौन से चार प्रोसेस, ये चार प्रोसेस लगाए, इसमें पैसे लगते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं और पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर आपने ये चार प्रोसेस इन दोनों में लगाए तो, क्यों, इसमें से उतना आयरन निकल ही नहीं पाएगा, इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। आ रहा है याद, आ रहा है याद फर्स्ट लेक्चर की, नहीं आ रहा, आ रहा है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट और आयरन पाइराइट, इन दोनों में से आयरन इकोनॉमिकल वे में नहीं डिराइव कर पाते हैं, इसलिए आयरन की मेटलर्जी हमेशा ऑक्साइड ओर से करते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर कार्बोनेट से करना हो तो, सो सबसे पहले कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करिए एंड देन इससे मेटलर्जी लगाइए, क्लियर। सबसे पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करिए एंड देन यू विल प्रोसीड फर्दर। मोहम्मद तारिक, जसवंत सिंह, बताइए मुझे, तो किसी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, स्टार्ट करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यस यू आर रेडी टू स्टार्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर। किसी भी मेटल का कंसंट्रेशन करने का आपके पास ओनली फोर मेथड था, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, किसी भी मेथड का कंसंट्रेशन, किसी भी एलिमेंट का कंसंट्रेशन करने के लिए यू हैव ओनली फोर मेथड। ये तीन जो ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको, ये तीन जो ऊपर वाले दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट भाई साहब, दिस इज फिजिकल मेथड, अरे भाई साहब फिजिकली उसमें इस्तेमाल हो रहा था, और केमिकल मेथड था लीचिंग, याद आया कुछ, आया आया कि नहीं आया, कि निकल गया यार सारा दिमाग से। मोहम्मद मलिक, आकाश चौधरी, बताइए तो सही। अब आयरन का, हम आयरन के ऑक्साइड का सबसे पहला स्टेप करने वाले हैं कंसंट्रेशन। अब मुझे बताइए इसमें चारों में से कौन कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा भूपेन्द्र सिंह राणा, थैंक यू सो मच गौरव सरकार। सो 1 2 3 4 में से एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, और देखना आप, लीचिंग इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों, मैंने बोला हुआ है लीचिंग हमेशा बॉक्साइट ओर के लिए होता है, याद है Al2O3 वाला लगाए थे इसमें, याद है, यस। सो लीचिंग नहीं लगाएंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन भी नहीं लगाएंगे, मैंने बोला है झाग केवल सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल करेंगे यार, झाग केवल सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल करेंगे, याद है। सो बात बाकी ये दोनों तरीके बचे, सो थर्ड एंड फोर्थ कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक। आइए
अब इन दोनों में से कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कहोगे दोनों कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अब मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराऊं यार, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता था याद है? कुछ याद है कि एक इंक्लाइंड सरफेस लेते थे, फिर अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, सबसे पहले आपको बाबा जी का बूस्टर याद दिला दूं। ग्रेविटी सेपरेशन के लिए बाबा जी का बूस्टर क्या था बताइए मुझे? ग्रेविटी सेपरेशन के लिए बाबा जी का बूस्टर क्या था? एनसीईआरटी कवर हो रहे हैं मिस्टर मैन, एंड कवर हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कवर हो रहे हैं, ठीक है? चलिए, यस, बाबा जी का बूस्टर वाज डेंसिटी का अगर डिफरेंस हो तो फिर ग्रेविटी सेपरेशन लगाते थे, याद आ रही है? याद आ रही है? अगर डेंसिटी लो होती थी तो ऊपर चले जाता था और हाई डेंसिटी नीचे। बहुत सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कब यूज होता था? जब डिफरेंस इन मैग्नेटिक बिहेवियर हो। इत्तेफाक रखते हो मेरी बातों से? यस, डिफरेंस इन मैग्नेटिक बिहेवियर। नहीं याद आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पूनम गुप्ता, उजाला यादव, मांडवी गुप्ता, हार्ट्स की बौछार हो जानी चाहिए अभी तक यहां पे। विकास कुमार, आरती पांडे, प्रेम रेड्डी, श्वेता मिश्रा, ये दो चीजें बाबा जी का बूस्टर से याद आ रहा है कि नहीं? तो कितना कमाल का बाबा जी का बूस्टर था आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा। आइए 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 आइए, ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि ये सल्फाइड के लिए होता है और ये बॉक्साइट ओर के लिए यूज होता है। आइए सबसे पहला लगाते हैं। होता क्या है, जब भी ओर और इंप्यूरिटी में डिफरेंस इन डेंसिटी हो तो ग्रेविटी लगाते थे, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। आइए, जब ये बात अच्छे से पता है तो मैं बता दूं, जो भी हमारा Fe2O3 होता है ना, दो ऑक्साइड के ओर है ना आयरन के, एक Fe2O3, एक Fe3O4, एक हे एक मा, हेमेटाइट एक मैग्नेटाइट, हेमा। सो Fe2O3 में जो इंप्यूरिटी होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, पता है कि नहीं पता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी, कैन वी से कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास? तो जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका डेंसिटी कम उसका मास कम। तो इसको अदर वे में क्या हम बोल सकते हैं, इंप्यूरिटी का डेंसिटी कम है तो इंप्यूरिटी का मास कम है, दैट मीन्स वो हल्का है। इंप्यूरिटी हल्का है तो तैरेगा, डेंसिटी कम है तो तैरेगा, ठीक कि नहीं? ठीक, बहुत अच्छा। सिमिलर वे में यू कैन सी दिस, Fe2O3 फर्स्ट मेथड इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि भाई साहब Fe2O3 में जो प्योर ओर है वो हाई डेंसिटी होता है और जो इंप्यूरिटी है वो लेस डेंसिटी होता है। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे कैसे मान ले कि ये होता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो डेंसिटी किसकी हाई है किसकी लो है ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, अब आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा, विकल्प त्रिपाठी बता रहे। सो हेमेटाइट के लिए फर्स्ट और मैग्नेटाइट के लिए सेकेंड, एब्सोल्यूटली करेक्ट है। दो ऑक्साइड और हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट से होता है, सेकेंड वाला सेकेंड से होता है। विकल्प त्रिपाठी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। टाइम पर सिलेबस बिल्कुल हो जाएगा अंजलि गौतम। सो हेमेटाइट ये आपको दिया हुआ, डोंट वरी फॉर दिस, ठीक है? और ये हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये तो आपको पता ही है कैसे होता है, इसको रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर रिपीट करने की जरूरत है तो लेक्चर 1 एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए, अब इंप्यूरिटी लाइट है तो जो भी है आपको प्योर ओर और इंप्योर ओर हो जाता है, ठीक है? यस, आइए इसमें। अब Fe3O4 जो होता है वो आयरन का मैग्नेटिक ओर बोलते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछे कि आयरन का विच इज द मैग्नेटिक ओर, आयरन का मैग्नेटिक ओर किसको बोलते हैं, सो यू विल से Fe3O4। देखो दो ऑक्साइड होते हैं ना, Fe2O3 और Fe3O4, एक हेमेटाइट एक मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है वो चुंबक से चिपक जाता है। अब चुंबक वाली चीज आई, दैट मींस मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है। जो Fe3O4 है ये चुंबक से चिपकता है, लेकिन इसके साथ जो धूल मिट्टी होगी वो क्या चुंबक से चिपकेगा? आज तक दुनिया संसार में ऐसा नहीं हुआ कि धूल मिट्टी चुंबक से चिपके, ठीक? Fe3O4 जो है वो चुंबक से मैग्नेटिक व्हील से चिपक के अलग आ जाएगा, और जो इंप्यूरिटी है वो चिपकेगा नहीं, वो दूर भाग जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, सर्कुलर मोशन। आया बात समझ में कि नहीं आया? बहुत अच्छा भूपेन्द्र सिंह राणा, थैंक यू सो मच। स्टीव रोजर, थैंक यू सो मच। आया बात समझ में? तो देखो भाई साहब, कहानी का सार ये है, 100 बात की एक बात ये है कि भाई साहब आयरन जो है आयरन मैन, इसके पास हमारे पास हेमा मालिनी है,
है कि नहीं है, 100 बात की एक बात। अब हेमा मालिनी जो है, ये जो मालिनी है, जो सॉरी हेमा मालिनी जो भी है आप, मैग्नेटिक ओर, ये जो है Fe3O4 है और ये जो है ये Fe2O3 है। दिस इज हेमेटाइट, दिस इज मैग्नेटाइट। अरे बतवा समझ में आ रहा है तो हां करते जाइए ना यार, काहे रुक रहे हैं, हां करिए जल्दी से। बहुत अच्छा, आइए, ये जो है इसको मैग्नेटिक ओर बोलते हैं। नहीं बात समझ में आई ये वाली? नहीं आई, नहीं आई। बहुत अच्छा, एवरी सब्सटेंस इन नेचर आर मैग्नेटिक? नो यार, मैग्नेटिक वही होगा जो चुंबक से चिपकेगा। ये पेन मैग्नेटिक नहीं है, चुंबक से नहीं चिपक सकता। आइए अब देखिए, दो ओर हैं, ये मैग्नेटिक है इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला मेथड लगाएंगे, और जो मैग्नेटिक नहीं है उसमें फर्स्ट दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंस इन डेंसिटी था, इसमें डिफरेंस इन डेंसिटी है। बात थोड़ी ना समझ में आ रही है ये बात? बहुत अच्छा आशुतोष सिंह, जो आप बोलेंगे वही वाला हम पढ़ा देंगे यार, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? दिस इज योर क्लास, दिस इज योर कोचिंग, दिस इज एवरीथिंग इज योर्स, यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है भाई साहब, आइए अब देखिए, ये तो डिफरेंस इन डेंसिटी, ये गलत लिखा हुआ है, डिफरेंस इन मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। ठीक है, आइए। हां, स्टेप नंबर 1 में 4 मेथड थे, 2 नीचे वाले हम लगा नहीं सकते थे, 2 ऊपर वाले हमने लगा लिए। तो दीक्षा त्रिवेदी, चार्मी मोदी, कृष्णा एंड गौरव सरकार, मांडवी गुप्ता, मुझे बताइए स्टेप नंबर 1 के बाद क्या मिलता है? अरे भाई साहब, प्योर ओर, इम्प्योर ओर अलग अलग हो जाता है। किसी ने यही बोला था कि भाई साहब प्योर एंड इम्प्योर का ब्रेकअप हो जाना इज कंसंट्रेशन। सो ब्रेकअप तो हो चुका ना स्टेप 1 में, तो ब्रेकअप करने के बाद इम्प्योर धूल मिट्टी को त्याग दो, गंदगी से बाहर आ जाओ। अब हमारे पास प्योर ओर है, प्योर ओर को अब हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, करते कि नहीं करते? बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यस, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच शिव कुमार वर्मा, एंड यू आर माई प्योर ब्रांड एम्बेसडर, एंड भावना द्विवेदी इज ऑल्सो। उन्होंने ग्रुप में बंदे जोड़े, मैंने देखा है आपने ब्रांड एम्बेसडर का काम किया है। हाँ, वैभव श्रीवास्तव, उस पे आता हूं, उस वाले चीज पे आ रहा हूं। चलिए आइए, प्योर ओर जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा दूसरे वाले प्रोसेस में। कैसे? दो प्रोसेस ही है यार पूरे दुनिया संसार में, ओर से ऑक्साइड कन्वर्ट करने के लिए केवल दो ही तो बताया है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एबसेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जितना जरूरत है उतना ही देंगे, ऐसा नहीं एक्सेस ऑफ एयर नहीं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, दिस इज जीरो एयर, एबसेंस ऑफ एयर। नहीं आया बात समझ में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। प्रेम हिंदी मनोज सिंह, नहीं समझ आया मुझे। आइए अब देखो कैल्सिनेशन क्या होता है। देखो रोस्टिंग नहीं लगा सकते क्योंकि सल्फाइड ओर के लिए लगाते हैं, बताया हुआ यार, और कैल्सिनेशन लगा दो ही है ना यार, ये केवल सल्फाइड ओर के लिए लगता है, बाद बाकी के लिए सारे कैल्सिनेशन होगा। तो हमारे पास Fe2O3 है और Fe3O4 है, ऑक्साइड ओर है ना, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के लिए कैल्सिनेशन लगाएंगे। अब Fe2O3 जो होता है उसमें हाइड्रेटेड वाटर होता है, जब कैल्सिनेशन लगाओगे, कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जैसे ही हीट करोगे जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये हमारे पास ओर बन गया। सो ओर जो हमारे पास था, ये जो ओर हमारे पास था वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। नहीं आया बात समझ में? आया, आया कि नहीं आया? ओके ठीक है, चंचल मनोज सिंह, जरूर इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, पैरेलल क्लास के लिए थोड़ी सी परेशानी है, जैसे ही सब कुछ सही हो जाता है पैरेलल क्लास ले लेंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन आ गया, प्रेम रेड्डी, अमन ठाकुर, स्टीव रॉजर, चार्मी मोदी, मुझे बताइए स्टेप नंबर 2 में हमारा काम यही था कि भाई साहब जो भी प्योर ओर मिला है ना उसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। आया? बहुत अच्छा मनोज सिंह, अब आइए इस जो ऑक्साइड बना है ना स्टेप नंबर 2 से, उसी को मेटल में रिड्यूस करना इस थर्ड प्रोसेस। ठीक है, स्टेप नंबर 2 से जो ऑक्साइड मिला उसी को मेटल में कन्वर्ट करना, कैसे? रिडक्शन से। आइए, हमने पढ़ा है आयरन, आयरन जो है उसका आपको याद है थोड़ा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ क्यूट जबरा, आई नेवर टूडे लाइक हर स्मार्ट गोट पुअर, कॉल स्मार्ट गोट पुअर, याद है कि नहीं रिएक्टिविटी सीरीज? नहीं याद है तो यहां पे देखिए, यहां पे आइए, ये रहा आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज,
दिमाग में आ रहा है ये चीज एकदम बताई थी। ओके वेरी गुड मोहम्मद दानिश। अब मुझे बताओ क्या मैंने ये चीज आपको नहीं बताई है कि आयरन यहां है और कार्बन से लेकर के यहां तक ये सारे स्मेल्टिंग से रिड्यूस होते हैं यूजिंग कार्बन। स्मेल्टिंग का मतलब क्या है? रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ये बताया है ना। और इसका रिडक्शन कैसे होता है? इसका रिडक्शन हीटिंग से होता है, पाइरोमेटलर्जी, बताया कि नहीं बताया। और ऊपर वाले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये हमें पढ़ना अभी बाकी है जो हम पढ़ लेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच राजेश कुमार, एंड बताइए श्वेता कुमारी जरूर होगा। रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता है कि इसका स्मेल्टिंग से रिडक्शन होता है। अब वो दिन आ गया, वो समय आ गया जब हम रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन वो पढ़ लिया जाए। तो क्या आप लोग रेडी हो कि हम स्मेल्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस शुरू कर पाए? राजेश कुमार थैंक यू सो मच कमिंग, वेलकम टू कैरियर पॉइंट। अब देखो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसमें इतना बड़ा सा डिफिकल्ट सा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इतना बड़ा सा डायग्राम जब एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या कर सकते हैं? इसका करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एनसीईआरटी में है तो पूछा जाएगा। पिछले सालों में आ भी चुका है इसका क्वेश्चन। सो जितने डायमेंशन में क्वेश्चन बन सकता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, वो इसी आज अभी इसी क्षण खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा विजय, उजाला, नीतीश, कजमा, विकल्प, बहुत अच्छा। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है? स्मेल्टिंग, बहुत अच्छा, यही है ब्लास्ट फर्नेस। ये लिखा है ना, कैरीड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस, दिख रहा है ये सब, बहुत अच्छा। आइए आइए एक एक करके अब मैं ऐसी कहानी बताऊंगा कि आपके स्मेल्टिंग ऑफ आयरन हमेशा के लिए डर निकल जाएगा, हमेशा के लिए। अब देखो इसको हम थोड़ा सा छोटे वे में लेके आते हैं, छोटे वे में। ये ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ये आपको याद आ रहा है कुछ? मिट्टी के बर्तन, सुराही वुराही आपके घर में अगर होता हो, आपने देखा हो तो उस टाइप का है कुछ, सिमिलैरिटी है। देखो अब ऐसा है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, छोटा वे में देखो, आप दिखाता हूं। सबसे पहले अब देखो इंसान यहां से चालू होता है, इंसान ऊपर से नीचे देखो, मेरे को उसी तरह इसको ऊपर से नीचे देखो। ये क्या है? इसका थ्रोट, मेरा सबसे पहले गला आएगा ना यार, सबसे पहले गला आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं थ्रोट। आया बात समझ में? प्रेम रेड्डी, वैभव श्रीवास्तव, बोलिए मुझे, आता हूं उस बात पे वैभव श्रीवास्तव, आपके दो क्वेश्चन है, आऊंगा उस पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मेरा गला यहां पे है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पेटी तो आएगा, मेरा बेली, बेली मीन्स पेट होता है, दैट मीन्स बस सब एक ही है। ये जो इसका मोटा सा, भले ही मेरा तोंद नहीं निकला है, आप में से बहुत सारे होंगे जिन लोगों का तोंद निकला हुआ है क्योंकि यू आर आलसी, आई नो दैट। अब आलसी लोगों का पेट निकला होता है यूं करके, ठीक है, मेरा नहीं है, आई एम सिक्स पैक एब्स, यू नो व्हाट। सो देखो गर्दन खत्म हुआ, बेली हो गया, बेली। उसके बाद अर्थ से नजदीक, मतलब अब पेट के बाद नीचे ही जाओगे पैर पे, पैर को क्या बोलते हैं? HEARTH, हर्थ। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हर्थ, जो यहां दिख रहा है, अर्थ से जुड़ा हुआ इज हर्थ। रोहित शर्मा नो प्रॉब्लम, जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक हियर, ठीक है भाई साहब। संदीप रावत, आया समझ में? बहुत अच्छा, अच्छा जिम जाते हो, बहुत अच्छा, एब्सोल्यूटली करेक्ट। सो तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है, थ्रोट जो यहां पे होता है, बेली जो ये फैला हुआ पार्ट है उसको बेली कहते हैं, और जो अर्थ से जुड़ा हुआ हो, इसको जमीन पे रखोगे ना ये पूरा सिस्टम को, तो जो अर्थ से जुड़ा है उसको हर्थ बोलते हैं। ये बात क्लियर है? धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन हमेशा के लिए कर लेंगे आज इसको। आइए आइए थोड़ा सा इसको और अच्छे वे में पढ़ाएं आप, ठीक है। अब देखिए, अब लेफ्ट वाली चीजें आपको क्लियर हो गई। होता क्या है, ये जो हर्थ से ऊपर वाला चीज है, यहां से ये जो दो पाइप टाइप आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में भी, और पाइप के जैसा इधर से लगा हुआ है, तो यहां से हम गर्म हवा के झोंके भेजते हैं। क्या भेजते हैं? गर्म हवा के झोंके, मतलब हॉट एयर पास करते हैं, गर्म हवा के झोंके यहां से भेजते हैं। क्या भेजते हैं भाई साहब? हॉट एयर। नहीं आया बात समझ में? हॉट एयर, दिमाग चल गया आप लोगों का, देखना। अब यहां से हर्थ के थोड़ा सा ऊपर जो पोर्शन है, जो टेढ़ा पोर्शन है, इनक्लाइंड पोर्शन है, यहां से हम क्या पास करते हैं? गर्म हवा के झोंके। बहुत अच्छा विकल्प। तो ये बात समझ में आ गई, गर्म हवा के झोंके।
अब देखो, अब मैंने बताया था कि जब आप दूध पीते हो, सब लोग दूध दूध चाय वाय तो पीते ही होगे, जो दूध नहीं चाय नहीं कॉफी तो पीते होगे। तो देखो, अगर मान लो यहां तक ये आपको मिल्क भरा हुआ है इसमें, या मान लो चाय भरा हुआ है, ठीक है, तो थोड़े देर के लिए अगर दूध वैसा का वैसा रख दो, गर्म दूध वैसा का वैसा उसमें रख दो, तो क्या होता है, ऊपर यहां पे क्या मलाई टाइप कुछ जम जाता है, ऊपर क्या मलाई टाइप कुछ जम जाता है, जमता है कि नहीं, मलाई टाइप क्या मलाई ही जमता है सर। बहुत अच्छा, यस दिस इज द लास्ट और सैटरडे विल बी द लास्ट। चलिए आइए, सो क्या ये बटर जम जाता है, और अगर मान लो ग्लास में या बॉटल में या किसी भी बर्तन में किसी भी बीकर में लिक्विड लिक्विड मेटल हो, मेटल इन मोल्टेन फॉर्म इज लिक्विड मेटल, सो लिक्विड मेटल हो और उसको थोड़ा सा छोड़ दो थोड़े देर के लिए, तो जैसे दूध के ऊपर मलाई जमती है वैसे ही लिक्विड मेटल के ऊपर क्या जमता है, स्लैग, स्लैग। बहुत अच्छा, दिस इज कॉल्ड स्लैग। आपको बताया था ये वाली चीज मलाई से रिलेटेड, जैसे गर्म दूध के ऊपर मलाई जम जाती है उसी तरह थोड़ी देर अगर लिक्विड मेटल को छोड़ दो तो उसके ऊपर स्लैग जम जाता है, उसी तरह की एक परत बैठ जाती है। ठीक है, मोर वन लेक्चर, दैट्स इट। सो ये क्या स्लैग समझ में आया, यस yes। अब आइए उसको यहां पे गर्म हवा के झोंके समझ में आ गए, गर्म हवा के झोंके। आइए ये देखो, यहां से ये देखो यहां तक क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है इसके अंदर, लिक्विड आयरन, यहां से यहां तक लिक्विड आयरन इसमें भरा होता है। कैसे लिक्विड आयरन बनेगा वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन यहां से यहां तक ये सारे लिक्विड आयरन यहां पे भरा होता है। सो लिक्विड आयरन थोड़ा देर छोड़ दोगे तो क्या इसके ऊपर मलाई नहीं जम जाएगा, स्लैग नहीं बन जाएगा। तो वैसे ही थोड़ा सा पेन वन चेंज कर लेते हैं भाई साहब, स्लैग है। बहुत अच्छा, आइए, सो यहां पर क्या होता है, स्लैग जम जाता है इसके ऊपर। अब हमें चाहिए लिक्विड मेटल, दिस इज वॉट ओरिजिनल थिंग जिसके हम पूरा ये सब काम करते हैं, हमें चाहिए मेटल, मेटल ही तो चाहिए, तभी तो हम घर का सरिया बनाएंगे आयरन से, दरवाजा बनाएंगे, जो कुछ भी बनाना हो बनाएंगे, दिस इज ऑल्सो आई होप मेड ऑफ आयरन, ऐसा होता नहीं है, जो भी आयरन की चीजें हमें चाहिए लिक्विड मेटल। अब स्लैग जो है ना यहां से बाहर होता तो लिक्विड ही है ना यार, हम क्या करते हैं दूध से ऊपर छाली ऐसे निकाल देते हैं, वैसे ही स्लैग यहां से बह के ऐसे निकल जाता है, और लिक्विड मेटल के लिए इधर एक नल बनाया हुआ है, यहां से लिक्विड मेटल निकल जाता है। ठीक है कि नहीं, आया बात समझ में, इतना आया, यस विकल्प त्रिपाठी, यस। इस लिक्विड मेटल को पिग आयरन कहते हैं, वो अभी 5 मिनट बाद आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, चलिए आता हूं मैं उस पर। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले जब इंडस्ट्री में जाओगे तो ये ऐसा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, व्हाट हैपेंड, आओ। So, सबसे पहले जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ऐसा बीकर आपको मिलेगा। अब इस मेल्टिंग ऑफ आयरन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज बोलते हैं कैसे आयरन लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल कैसे बनाना, अपना एम होता है आयरन लिक्विड मेटल बनाना। देखो कैसे होगा, सबसे पहले आयरन को क्या करते हैं, जो जहां गला था ना थ्रोट, उसके ऊपर से हम क्या डालते हैं, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, Fe2O3 प्लस कोक प्लस कार्बन, कैल्सियम कार्बोनेट। देखना धीरे धीरे समझेंगे, डोंट वरी, बहुत आसान नहीं है लेकिन मैं आसान आपके लिए कर दूंगा। देखो ये जो ऊपर है ना, यहां से हम इसमें चार्ज डालते हैं, ऊपर से हम सबसे पहले चार्ज डालते हैं, और ये जो नीचे है ना, यहां से गर्म हवा के झोंके, गर्म हवा, हॉट एयर पास करते हैं। हॉट एयर क्यों पास करते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया, हॉट एयर इसलिए पास करते हैं क्योंकि ब्लास्ट फर्नांस की टेम्परेचर इंक्रीज करनी होती है। ब्लास्ट फर्नांस के अंदर जो होता है ना, दिस इज कैरीड आउट एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो इसीलिए हम सबसे पहले गर्म हवा भेजते हैं। हवा भेजने का मतलब क्या है, उसमें से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना होगा, लेकिन गर्म क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाए। सो भूपेंद्र सिंह राणा, सबसे पहली चीज जो आपको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में ध्यान रखना है, दैट इज ऊपर से हम क्या डालते हैं, चार्ज। चार्ज क्या होता है, उसमें लेते हैं Fe2O3, जो हमारा ओर है, जिसको जिसमें से मेटल निकालना है वो ले लिया, साथ में कोक और कैल्सियम कार्बोनेट ले लिया। क्यों लिया, अभी आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, यस। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और या तो आप इसको बोल सकते हैं ताकि अंदर मेल्ट हो जाए मेटल, वो सब। चलिए आइए, तो देखो जब हम ऊपर से चार्ज डालते हैं ना, तो उसमें क्या क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद कोक और कैल्शियम कार्बोनेट।
जैसे ही ऊपर से हम डालते हैं तो वो चार फेज से होके गुजरता है। आयरन का स्मेल्टिंग चार फेज से होके गुजरता है। एक एक करके हम सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले क्या होता है, आप एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए इसको। श्वेता मिश्रा पढ़िए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्राची यादव, श्वेता मिश्रा, मांडवी गुप्ता, अमन ठाकुर रिपीट करते हैं, डोंट वरी। सबसे पहले मैंने बोला कि वो जो बीकर है ना, जो 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 ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से चार्ज डालते हैं। चार्ज क्या होता है? Fe2O3 प्लस कोक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। किसका क्या क्या प्रोसेस है हम सब बता रहे हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले ऊपर से चार्ज डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से, और टायर्स जो उनसे एयर पास करते हैं, हवा के झोंके, जो वो इंक्लाइन सरफेस जहां पे पाइप लगा था उसको टायर्स जोन कहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, आइए, चार्ज में क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। आइए सेकंड चीज हम पढ़े। देखो, ऊपर से जो चार्ज आ रहा था, चार्ज में क्या क्या चीज है? आयरन का ओर है, कार्बन है और कैल्शियम कार्बोनेट है। बात मानते हो ये बात? अब नीचे से हॉट एयर गया है, इस एयर में ऑक्सीजन है। एयर पास करने का मकसद ही यही था कि उसमें ऑक्सीजन भेजे। सो ये जो कार्बन है ना चार्ज के अंदर, और ये जो ऑक्सीजन है ना एयर के अंदर, ऊपर से कार्बन आ रहा है, नीचे से गर्म हवा के झोंके, हवा में ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का हो गया रिएक्शन। हम तो मिल गए सनम, सनम डूबेगी सनम वाली याद आ रही कुछ? कार्बन ऊपर से और हवा के झोंके नीचे से, कार्बन ऊपर से ऑक्सीजन नीचे से, रिएक्शन हो गया। लीजिए, आरिफ खान, मोहम्मद जांगेड, व्हाट इज दैट, मोनिका जांगेड, बहुत अच्छा मोनिका, आपके ऊपर मैंने ट्रिक बना दिया, ठीक है। चलिए, सो क्या ये बात समझ में आई? ऊपर से कार्बन और नीचे से ऑक्सीजन, बहुत अच्छा मोहम्मद दानिश, एब्सोल्यूटली करेक्ट। अब देखो, ये जब रिएक्शन होता है ना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हीट बहुत इंक्रीज करता है, हीट रिलीज करता है। सो जब ये हीट रिलीज करेगा, तो पहला हीट कहां से आ रहा है? हवा के झोंके गर्म हैं, वहां से हीट हो गया। दूसरा हीट यहां से मिला, तो ब्लास्ट फर्नेस की टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ गई। सो ये बात समझाने की जरूरत है क्या कि ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर हाई होता है? नहीं, हम चीज ही वही कर रहे हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक तो गर्म हवा भेज दिया, और जो ये रिएक्शन होता है उसमें हाई हीट निकलता है। अरे बतवा समझ में आ रहा है कि नहीं? कोल्ड एयर दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो रिएक्शन में नहीं होगा। नहीं समझ आया? बहुत अच्छा, आइए। रिलीज्ड हीट जो है वो टेम्परेचर को इनक्रीज कर देगा, और मैं आपको पहले भी एलिंगम डायग्राम में बता चुका हूं कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो कार्बन जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। देखो, बनना चाहिए CO2 लेकिन बनेगा CO, क्यों? टेम्परेचर जब हाई होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। ये कैसे पता लगेगा? जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तब, उसमें टेम्परेचर फैक्टर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अभी के लिए क्या दिमाग में रखना है कि देखो, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो जनरल वे में 90% केसेस में आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या करना होता है? टेम्परेचर हाई है तो फिजिबल रिएक्शन इज दिस, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हवा के झोंके तो आए जा रहे ना, और ऊपर से कार्बन आए जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर से कार्बन आए जा रहा है, ऐसा थोड़ी एक बार डाल के छोड़ दिया, डालते जाते हैं, चार्ज इंक्रीज करते रहते हैं ऊपर से, दैट्स इट। हाई टेम्परेचर पे क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन एलिंगम डायग्राम में कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। आय हाय, बात समझ में आ ही नहीं रही है बच्चों को। एबव रिएक्शन आर कंबशन, कंबशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जलना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के ऊपर में जल ही तो रहा है, जल रहा है तभी तो हीट आ रही है। सो जलने वाले रिएक्शंस को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। सो चूंकि ये कंबशन रिएक्शन है, इसलिए इसको बोल देते हैं कंबशन जोन। सो कंबशन जोन में केवल दो रिएक्शन होती है। दिमाग में आ गई? भूपेंद्र सिंह राणा, संदीप रावत, मोहम्मद तारिक, प्रतीक शर्मा, पी ब्लॉक, इसके बाद करेंगे। आइए, कंबशन जोन चार जोन होती है, उसमें से पहला जोन क्लियर है आपको। ऊपर से चार्ज डाला, चार्ज के अंदर कार्बन है, नीचे से हवा के झोंके जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है भाई साहब? CO2 बनाएगा, लेकिन हीट इंक्रीज, हीट बहुत ज्यादा रिलीज करता है, तो जब हाई हीट रिलीज कर देगा टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन मोनोऑक्साइड में बन जाता है।
लो टेम्परेचर पर यह बनेगा, हाई टेम्परेचर पर यह बनेगा। अब रिएक्शन वहां जोड़ दीजिए तो यही तो होता है, हाई टेम्परेचर है इसलिए कार्बन, डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। समझ में आया कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लेकिन वो वापस सीओ में बन जाएगा, सीओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। भूपेंद्र सिंह, मोहम्मद तारिक, प्राची यादव, बहुत कम लोग मेरे से आज दोस्ती किए हैं, पता नहीं काहे। कंबसन जोन, समझ में आया? आइए, हर्ष कुमार सिंह, बुक जो है आप कोई से भी रेफर कर सकते हैं, आई थिंक ओपी टंडन विल बी सफिशियंट अगर आप नीट की बात करें। आइए, टेम्परेचर जो है वो 1973 केल्विन, कितना हाई टेम्परेचर है देख रहे हो, कितना हाई टेम्परेचर है देख रहे हो। वैसे टेम्परेचर रटना नहीं है, मैं आगे एक जगह सारा टेम्परेचर बता दूंगा, अभी के लिए उसको भूल जाओ। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैंने एलिंगम डायग्राम में यह चीज क्लियर कर दी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यही तो बात हम हिंदी में लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं भाई साहब। यस, विकास कुमार इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, सीओ इज मोर स्टेबल, तो स्टेबल ही तो चीज बनता है ना यूनिवर्स में। हिंदी मीडियम वाले, मैं आपको बुक अलग से बता दूंगा, मोहम्मद दानिश, डोंट वरी फॉर दिस, ठीक है। सो देखो, हमारे पास चार्ज में क्या होता है, कार्बन, कार्बन का इस्तेमाल हम कर चुके, ठीक है। जितना कार्बन देंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है, बात से इत्तेफाक रखते हो? बोलो हां, बोलो हां, ओके राहुल, ओके, डोंट वरी। अब आयरन का जो ऑक्साइड है ना, हमें क्या चाहिए? लिक्विड मेटल। बस इस लिक्विड मेटल में कार्ब, जैसे ही इसको सीओ हम चार्ज में Fe2O3 डाले जा रहे हैं, और अंदर क्या बन चुका है? कार्बन मोनोऑक्साइड, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड, Fe2O3 रिड्यूस हो गया। सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर से जैसे ही Fe2O3 आते जाएगा वो रिड्यूस करते जाएगा। अरे स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके ओके, आते 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 ओपी टंडन वगैरह सब पे आते हैं, डोंट वरी। सो रिडक्शन जोन देखिए, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुका, अब रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको रिड्यूस करेगा? ऑक्साइड को मेटल में, यही तो सीखा है एलिंगम डायग्राम में, ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होता है। कैसे भाई साहब? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, कर दिया ना काम अपना, देखो ना, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, इसमें Fe3O4 लिखो या FeO और Fe2O3, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। आइए, Fe3O4 FeO में कन्वर्ट होगा, FeO वापस Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला रिएक्शन अभी समझाता हूं। सबसे पहले ये बात समझिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुका है तो जो भी Fe2O3 ऊपर से आएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड का काम ही रिड्यूस करना है, Fe2O3 को रिड्यूस कर देगा। किस में? मेटल में। Fe2O3 सबसे पहले Fe3O4 बनाएगा, Fe3O4 Fe में आएगा, FeO वापस Fe में कन्वर्ट होगा। अब आप कहोगे सर कार्बन, तो देखो ऊपर से हम चार्ज डालते जा रहे हैं, तो कुछ मान लीजिए कार्बन जो है, मान लीजिए कोई कोई कार्बन रिड्यूस, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना, तो कार्बन भी FeO को रिड्यूस कर देता है, तो ये भी हो अगर ब्लास्ट फर्नेस में तो रिड्यूस करेगा ही, बचा खुचा कार्बन भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, समझ में आ गई? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच। आइए, सो हमारा काम था मेटल बनाना, मेटल बन चुका है, ठीक है। सो रिड्यूस, रिडक्शन जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारी सारी रिड्यूसिंग हो रही है, रिड्यूसिंग रिएक्शंस हैं, रिड्यूसिंग रिएक्शन हैं, इसीलिए भाई साहब इसको रिडक्शन जोन कहते हैं। भूपेंद्र सिंह राणा, खान सरफराज, ओके, भूपेंद्र सिंह राणा एंड मिस्टर कामत, समझ में आ रहा है सब लोगों को? आप देखो, ये बात मैंने पढ़ाई है एलिंगम डायग्राम में कि नहीं, याद आ रहा है? 1073 डिग्री से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड और अबव कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये कोई उस पर चर्चा करने वाली बात नहीं है। अब देखो, हमारे पास ऊपर से क्या आते जा रहा है? कार्बन, कोक, Fe2O3 और CaCO3। अब देखना, इसका काम हो गया कंबशन जोन में, इसका काम हो गया रिडक्शन जोन में, तो बाकी का काम होगा आगे आने वाले जोन में। तो तीसरा जोन कौन सा होता भाई साहब? आई रहा स्लैग फॉर्मेशन जोन, यही तो पढ़ना है अपने को। बात समझ में आ रहा कि नहीं? ओके संदीप रावत, ओके, यही तो बात भूपेंद्र सिंह राणा ने पूछ ली, CO CO3 का क्या प्रोसेस है? तो अभी तो दो ही जोन पढ़े ना, तीसरे जोन में CaCO3 का काम है, देखो क्या होता है। मैंने बोला था ना स्लैग बनेगा, अरे यार गरम दूध के ऊपर मलाई बनती है, उसी तरह गरम लिक्विड मेटल के ऊपर स्लैग बनता है। आओ, जो CaCO3 है ना, ये हीट करोगे
पढ़े हैं कार्बोनेट हीट करके CO2 अरे सॉरी सॉरी CaO प्लस CO2 बनाएगा, यही पढ़े ना, कार्बोनेट हीट करके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है ओके प्रतीक समझिए बात को, ऐसा है देखिए ये बन गया हमारे सामने ऑक्साइड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, हीट कैसे हुआ, अरे ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर हाई है, जो भी रिएक्शन हो रहा है वो हीट रिलीज करता है, तो हीट रिलीज करने से क्या हो गया ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये जो CaO है बेसिक इंप्यूरिटी है, बेसिक इंप्यूरिटी किससे रिलेट करेगा एसिडिक फ्लक्स से, और फ्लक्स जैसे ही रिलीज एसिडिक फ्लक्स ये स्लैग बना लिया। सो तीसरा जोन कौन सा होता है स्लैग फॉर्मेशन जोन, काहे भाई साहब क्योंकि स्लैग बनेगा इसके अंदर यार, ये तो पढ़ चुके हैं फ्लक्स और स्लैग वाले में। ठीक है SiO2 का नेचर एसिडिक होता है और ये जो बना है वो बेसिक है, सो बेसिक ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ एसिडिक, बेसिक प्लस एसिडिक बन गया स्लैग। आया बात समझ में संदीप रावत प्राची यादव एकदम सही समझे आप लोग, बहुत है मजे आ गया एकदम, ये होता है एसिडिक फ्लक्स। ठीक है बात समझ में आया, बहुत अच्छा ये हो गया भाई साहब स्लैग फॉर्मेशन। अब मैंने बोला था गरम दूध के ऊपर मलाई, गरम लिक्विड मेटल के ऊपर स्लैग, बात एक ही है। आइए और ये जो है ब्लास्ट फर्नेस में से कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं, कैसे अभी तो बताया जैसे ही लिक्विड मेटल बनेगा उसके ऊपर स्लैग बन जाएगा, और स्लैग बनने के साथ एक मिनट ये रहा स्लैग बनने के साथ, ये देखो ये रहा लिक्विड मेटल इसके नीचे आ जाएगा, और लिक्विड मेटल के ऊपर क्या हो जाएगा, ये रहा लिक्विड मेटल इसके ऊपर क्या बन जाएगा स्लैग, और स्लैग को यहां से बाहर ले लो, और लिक्विड मेटल को कैसे निकालोगे लो ना यहां से, जैसा कि मैंने बोला लिक्विड मेटल थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे तब जाके स्लैग बनेगा। यार गर्म दूध के जैसे ही गर्म किया थोड़ी ना उस पे ऊपर मलाई बन जाता है, गर्म दूध थोड़ी देर के लिए छोड़ दो 3-4-5 मिनट, उसी तरह लिक्विड मेटल को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, तो लिक्विड थोड़ा देर अगर मान लो टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा तो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं, तो अगर मान लीजिए लिक्विड मेटल सॉलिड में कन्वर्ट भी हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट भी हो जाता है तो भी हम उसको लास्ट वाले जोन में, देखो 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 यहां तक हमारा क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये वाला चीज सारा आओ 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 ये सारा क्लियर है, स्लैग बाहर ले लेंगे और नीचे से लिक्विड मेटल ले लेंगे, ये बात क्लियर है। आइए अब जब ये बात क्लियर है तो मैंने बोला ना कि थोड़ी देर के लिए उस लिक्विड मेटल को छोड़ देते हैं, तो लिक्विड पूरा पूरा लिक्विड नहीं रहता, थोड़ा बहुत मान लीजिए सॉलिड में भी कन्वर्ट हो गया, हमें क्या, हमें तो हीट ही करना है ना, सॉलिड हीट करोगे लिक्विड, और इसी को फ्यूजन जोन कहते हैं, काहे काहे कि सॉलिड को लिक्विड बना रहे ना तो स्टेट चेंज हो रहा है, फ्यूजन बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको फ्यूजन जोन कहते हैं। तो हमारे पास लिक्विड मेटल आ गया। अच्छा दूसरी बात, स्लैग बनने का फायदा है कि घाटा है, ये बात बताओ मुझे, SiO2 कहां से आया, बहुत अच्छी क्वेश्चन। आइए मैंने बोला ना कि स्टेप नंबर 3 से पहले इंप्यूरिटी हटाने के लिए हम अपने तरफ से उसमें फ्लक्स डालते हैं, रिमेंबर SiO2 हम अपने तरफ से डालते हैं। ठीक है चलिए बहुत अच्छा, अब कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ये तो पता ही है आपको, लेकिन स्लैग बनने का फायदा है कि घाटा, शिव कुमार वर्मा बहुत अच्छा, ले लेंगे डोंट वरी। देखो स्लैग जब ऊपर बनेगा ना मलाई बन जाएगा, तो होता क्या है ये लिक्विड मेटल जो है वो बाहर वाले एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, क्यों, एयर और लिक्विड मेटल के बीच में क्या आ गया ये स्लैग, सो फर्दर इंप्यूरिटी जो एयर की है वो इसमें ना आ पाए, इसलिए स्लैग का बनना अच्छी बात है, स्लैग प्रोटेक्ट्स दिस लिक्विड मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, एयर से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडेशन हो सकता था लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन को बचा दिया, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही इंप्यूरिटी हो जाएगा। स्लैग इज सिलिकेटेड मेटल एब्सोल्युटली, अहमद राशिद बहुत अच्छा एब्सोल्युटली करेक्ट, अभिषेक कुमार बात समझ में आई बहुत अच्छा। आइए संदीप रावत अच्छा हेलो अंकल हम बउआ बोल रहे हैं, अरे अमन ठाकुर हम बउआ बोल रहे हैं। आइए सो देयर आर 4 जोन्स, समझ में आया। आइए इसका टेम्परेचर कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, अब एक टेम्परेचर वह भी दिमाग में रखना है, कहे कि एग्जाम में हमको नंबर लाना है ना यार, एग्जाम में नंबर आएगा तभी तो हमको मेडिकल में मिलेगा सीट और इंजीनियर में मिलेगा सीट, हमको तो चाहिए सीट, बाजू में आया। आइए
1500 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस कंबशन जोन का होता है। कंबशन का इतना हाई का है भाई साहब, सबसे हाई कंबशन का है। कंबशन का मतलब ही होता है जलना, और जहां आग लगेगी टेम्परेचर वह कम होगा का सबसे ज्यादा होगा। देखो ना, इन चारों जोन में से सबसे ज्यादा है कंबशन, क्योंकि कंबशन में क्या लगता है, आग लगता है यहां पे, तो आग लगेगा तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। अमन ठाकुर, आरिफ खान बताइए, रिडक्शन जोन इसमें कोई टेम्परेचर का वो है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो वो रिड्यूस करेगा फर्दर, तो सबसे कम इसीलिए यहां पे है क्योंकि यहां पे कोई टेम्परेचर का जोन नहीं है। उसके बाद स्लैग फॉर्मेशन में उससे ज्यादा, और उसके बाद फ्यूजन, फ्यूजन में तो देखो फ्यूजन में फिर चाहिए क्योंकि सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाते हैं। सो इका है कि दिमाग में रखना है। समझ में आया? विपिन यादव, प्राची यादव, एवरीबडी, श्वेता मिश्रा, सोनल सिंह, थैंक यू सो मच, भूपेन्द्र सिंह राणा, आरिफ खान। लेकिन मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। वो क्या है कि शिकायत यह है कि आप लोग अपने दोस्त से हमको नहीं मिला रहे हैं, और अगर आप लोग दोस्त को नहीं बुला पाएंगे तो हम कह दें हमारे ऊपर बहुत सारे बॉस बैठे हैं तो हमको यहां आने नहीं देंगे। तो ये बतवा समझिए, अब बुलाइए यहां पे बच्चों को, समझ रहे कि नहीं? ओके, यस विपिन यादव, आइए। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, जो लिक्विड मेटल मिला है ना वो पिग आयरन बोलते हैं उसको, और ये किसी काम का नहीं होता है। क्यों? इसमें कार्बन कॉन्टेंट बहुत ही हाई होता है। आयरन में अगर कार्बन कॉन्टेंट हाई है, दैट मीन्स ज्यादा है, तो वो बहुत ही ब्रिटल होता है। जैसे ये पिग आयरन जो होता है ना, अगर हाथ से भी पकड़ के तोड़ा जा सकता है, बिस्किट टाइप का होता है, इतना वो कमजोर होता है। देखिए, पिग आयरन इज नॉट यूज फॉर एनी इंडस्ट्रियल यूज। तो हम इतना बड़ा वो किए, पूरा स्मेल्टिंग प्रोसेस लगाए और उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये कैसा रूल है, ये कैसा अन्याय है? वही देखो यहां पर, ये जो लिक्विड मेटल मिला है ना वो पिग आयरन होता है, और पिग आयरन इज वेरी ब्रिटल, टूट जाता है ऐसे मोड़ेंगे तो। देखिए, पिग आयरन इज हार्ड बट इट इज वेरी ब्रिटल। तो हमें हार्ड भी नहीं चाहिए, हमें ब्रिटल भी नहीं चाहिए। हार्ड होगा तो हमारे सरिया जो है, देखते हो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको मोड़ा जाता है, दैट मीन्स डक्टाइल होना चाहिए, मैलिएबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए हार्ड हुआ तो पर जो शीट्स बनती हैं आयरन की वो कैसे बनेंगी? तो हार्ड भी नहीं चाहिए, ब्रिटल भी नहीं चाहिए। सो इन सब का आंसर है इस कार्बन में। कार्बन ज्यादा रहेगा तो हार्ड ब्रिटल करेगा, कार्बन कम कर दो काम खत्म। कार्बन कम करोगे तो ये मेलिएबल डक्टाइल हो जाएगा और हार्डनेस भी कम हो जाएगी। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह बताइए, पिग आयरन अब किसी इस्तेमाल का नहीं है तो अब इसको इस्तेमाल वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पिग आयरन इज कन्वर्टेड इनटू कास्ट आयरन। कैसे? कार्बन का कंटेंट कम करते हैं। जब हमें पिग आयरन मिल गया, इसमें स्क्रैप आयरन ऑल डालते हैं। ठीक है, वेरी गुड। टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखा जाता है? यूजिंग सेवरल मशीन्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, वो सारे जोन्स जो है ना सेपरेटेड होते हैं विथ अ होल। ठीक है, आइए पिग आयरन कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसका इस्तेमाल कर पाए डेली यूज में। वो कैसे करते हैं? बाय रीमेल्टिंग ऑफ पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन। एक प्योर आयरन लिया, स्क्रैप आयरन, और उसको जो पिग आयरन है उसमें मिलाया तो आयरन का कॉन्टेंट बढ़ेगा ना, और आयरन इसमें ऐड कर दिया, स्क्रैप आयरन ऐड किया तो आयरन का कंटेंट बढ़ेगा तो कार्बन कम होगा। तो कार्बन का कंटेंट कम करोगे तो कास्ट आयरन बन जाएगा। ठीक है, और कास्ट आयरन इज यूजेबल। देखो, कास्ट आयरन में कार्बन का कंटेंट 5% से सीधा 2.5% पे आ गया। 2.5 से 5 के बीच में होता है, 3, 3.5, 4 हो सकता है, लेकिन इससे तो अच्छा हो गया ना, इससे तो हार्ड और ब्रिटल नहीं रहा ना, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया ना। ओके, आइए, एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन रिड्यूसेस क्वालिटी, ये तो पढ़ा चुका कि नहीं? कल के क्विज का टॉपिक है अपना मेटलर्जी टॉपिक। ठीक है, मेटलर्जी, आइए अब देखो, रॉट आयरन जो हमारे पास कास्ट आयरन बनाना, उसमें और कार्बन का कंटेंट कम करते हैं तब बनता है रॉट आयरन। कास्ट आयरन से रॉट आयरन, और कास्ट आयरन से रॉट आयरन बना कैसे? तो बाई ऑक्सीडाइजिंग द इंप्यूरिटी ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में इंप्यूरिटी क्या है? कार्बन, कार्बन ही तो कम करना है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दो। कास्ट आयरन में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बन वहां से गायब हो जाएगा। आयरन का कंटेंट ज्यादा, कार्बन का कंटेंट कम, कार्बन इतना कम हो जाता है 0.2%। अरे मोनिका जांगिड, शक्ति सिंह, चार्मी मोदी, मोहम्मद मलिक, बात समझ में आई?
सो हमारे पास था पिग आयरन, पिग आयरन से हम बनाए कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से हम बनाए रॉट आयरन, ठीक है। ओनली थ्री फॉर्म्स ऑफ आयरन पॉसिबल, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। बहुत सारे जगहों पर गलत पढ़ाया जाता है स्टील के बारे में, आज क्लियर कर दूं आपको, स्टील इज नॉट ए फॉर्म ऑफ आयरन, स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन। अलॉय क्या होता है? अलॉय का मतलब होता है, अलॉय बोलते हैं इसको, अलॉय का मतलब होता है कि हम मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर करें तो अलॉय बनता है। देखो यहां पे आयरन लेते हैं, जो आयरन बना है उस आयरन को और कार्बन का अलॉय, ये मैन मेड होता है। स्टील हम खुद बनाते हैं, लेकिन आयरन ओर से निकलता है, नेचुरली होता है। तो आयरन का फॉर्म वही होगा जो नेचुरली बनेगा, स्टील मैन मेड है उसको आयरन का फॉर्म नहीं बोलेंगे। समझ में आया? स्टील इज नॉट ए फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन। अलॉय का मतलब होता है आयरन और कार्बन का मिक्सचर। आइए देखिए, जो स्टील होता है उसमें कार्बन का जो कंटेंट है 0.2 से 5%, ठीक है। इसीलिए स्टील को ज्यादा प्रेफरेबल होता है, कहे कि कार्बन का जो कंटेंट है ना बहुत कम है। आए समझ में? बहुत अच्छा, यस। आइए, थोड़ा सा बूस्टर भी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए एग्जाम के लिए? यही तो पढ़ रहे हैं हम। आयरन ओर का स्मेल्टिंग किए, क्या बना? पिग आयरन। जो लिक्विड आयरन निकला उसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन। इसमें कार्बन कितना होता है? 5%, बहुत ही हार्ड और बहुत ही ब्रिटल। अब जब इसको रीमेल्ट करेंगे, स्क्रैप आयरन, कुछ स्क्रैप आयरन लेते हैं और जो हमारे पास पिग आयरन है उनको मेल्ट करते हैं, गर्म करके आपस में मिलाते हैं, तो क्या बनता है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन 2.5 से 5 कम हो गया, और ऑक्सीडाइज कर दो इंप्यूरिटी को, रॉट आयरन 0.2%, और अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन इज स्टील, और स्टील में भी 0.2 से 5% कंटेंट होता है। समझ में आ गया? प्रतीक शर्मा, थैंक यू सो मच। ऋषिका कामत, ओके, व्हाट इज लेविगेशन? दैट विल बी डिस्कस्ड इन टुमारोज क्लास। आज जो है हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो हम मिलेंगे री एनर्जी के साथ कब? कल। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन थैंक्स से काम नहीं चलेगा। जो आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करें। वो नाइंसाफी क्या है? आप इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, हम फ्री में जब आपको इतना वैल्यूएबल कॉन्टेंट दे रहे हैं, तो प्लीज बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर्स एंड ज्वाइन दिस रिवॉल्यूशन, बिकॉज इन इंडिया वी नीड सबको पढ़ा लिखा अच्छे तरह से होना चाहिए। पढ़ा लिखा सबको ही सकता है, लेकिन सिलेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का हो। इस बार भी हमने पढ़ा, मेडिकल कॉलेजेस और आईआईटीज में सीट वैकेंट रह गई, क्यों? क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। वो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग यू। यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर। क्यों नहीं कर रहे हो ब्रांड एम्बेसडर का काम? आगे चल के आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे। अभी हमारे लिए बनो। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है? कीप शेयरिंग, कीप लाइविंग, दिस इज द बेस्ट कॉन्टेंट पॉसिबल फॉर यू, एंड वी आर लाइव डायरेक्टली फ्रॉम कैरियर पॉइंट कोटा। जरूर शेयर करना है। समझ में आ रहा है? तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, आसपास का ध्यान रखें। मिलते हैं वीटी सर के नेक्स्ट लेक्चर के बाद, नेक्स्ट लेक्चर के साथ 6 बजे कल एक बार और आपका स्वागत करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। टेलीक्विशेंट और लेविगेशन मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आए हैं वो आ जाइए, क्योंकि आपके सारे डाउट हम वहां पे सॉल्व करेंगे। t.me/cpkotalive आ जाइए, और वहां पे दोस्तों को भी लेके आइए। समझ रहे हैं बात को? चलिए, डेली वैभव, आपका डाउट, डेली क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट? डेली क्वेश्चन के बाद क्या है? यस, जो एक और डाउट है मैं देख लूंगा चैट में, एक और डाउट है किसी का, वो मैं स्क्रैप आयरन क्या होता है? स्क्रैप आयरन होता है आयरन को टुकड़ों टुकड़ों में काट के, क्या बोलो उसको, अच्छा एक आपके यहाँ लकड़ी बनता है, लकड़ी का जो मान लो खिड़की दरवाजा बनता है, तो ये आपको आपने देखा होगा, वो एक चीज लकड़ी को प्लेन करते हैं, एक छोटी सी मशीन होती है वुडन जो उस पर चलाते हैं, तो जो वुडन का ऐसे घुमा घुमा फॉर्म में, ऐसे घुमा घुमा फॉर्म में एक वुडन का चीज निकलता है, इसको स्क्रैप वुड कहते हैं। उसी तरह आयरन को जब उसको मशीन लगाएंगे, छोटी 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 पतली चीजें निकलती हैं आयरन की, उसी को कहते हैं स्क्रैप आयरन, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, पतली पतली आयरन इन स्क्रैप फॉर्म। ठीक है कि नहीं ठीक है? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। क्या प्रैक्टिस करना? कहां से करोगे प्रैक्टिस? कहां से करोगे?
मटेरियल जो है ना, हम लोग साइंटिफिक वे में उसको जोड़ तोड़ के इधर से उधर से यहां से वहां से जितना भी बुक पॉसिबल हो सकता है वहां वहां से जोड़ तोड़ के बेस्ट मटेरियल बनाया है और मिनिमम कॉस्ट में आपको दे रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट में। अगेन आई एम सेइंग, सो काहे नहीं आप कॉल कर रहे हैं, किस नंबर पे? इस वाले नंबर पे 07446630500, यही तो नंबर है, इस पे कॉल करिए, मंगाइए अपने घर पे, बहुत ही सस्ते में, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। प्रशांत, जो ये अफवाह चल रही है उस पर विश्वास ना करिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी आई विल बी द फर्स्ट वन टू डिस्क्लोज दैट न्यूज, ठीक है? बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।